डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ एक्सरसाइज 1.2। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4? गिवन दैट एक्ससी ऑफ 306 एंड 657 दैट इज इक्वल्स टू 9, हमें इनका एचसीएफ गिवन है, ओके, फाइंड एलसीएम, हमें इनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो वी नो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें पता होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, जो हमें नंबर्स यहाँ क्या गिवन है, 306 एंड 657। इट मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, 306 एंड 657, क्योंकि दो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से गिवन है, 306 एंड 657, ओके। तो अब हमारे पास एचसीएफ भी यहाँ पे गिवन है कि एचसीएफ हमारे पास क्या है, 306 एंड 657 का 9। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी एचसीएफ की जगह हमने क्या कर दिया, 9 पुट कर दिया, 306 एंड 657। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 एंड 657 डिवाइडेड बाय 9, ओके। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, थर्टी फोर मल्टीप्लाई 657 दैट्स कम 22338, ओके। हमने 34 को 657 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या है, 23338। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 दैट इज इक्वल्स टू 22338, ओके। हमें क्या करना है, देखो इसमें हमारे पास वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, और दो नंबर्स हमें कौन कौन से दे रखे हैं, 306 एंड 657। हमें यहाँ एचसीएफ भी गिवन है, हमें फाइंड करना है एचसीएफ, तो एलसीएम इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 22338 दैट इज द एलसीएम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ एक्सरसाइज 1.2। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। If you have any query regarding to this question, you can ask me in the comment section. और रही बात लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की, वो आप कर ही देंगे। थैंक यू।